गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का जो मोटिव रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यार कि 1% एडीएस सीक्रेट क्या है, 1% एडीएस सेंसिटिविटी क्यों यूज की जाती है, इसका क्या फंडा है और कौन कौन से प्लेयर्स इसको यूज करते हैं, इससे आपकी गेम प्ले में क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 1% एडीएस सेंसिटिविटी क्यों यूज की जाती है और कौन कौन से प्लेयर्स को इस पे खेलना चाहिए और कौन कौन से प्लेयर्स को इस पे नहीं खेलना चाहिए। तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आप समझ पाओगे कि किन किन प्लेयर्स के लिए एडवांटेज रहेगा, नॉन जायरो के लिए एडवांटेज रहेगा या जायरो के लिए एडवांटेज रहेगा। ये तभी समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो को देखोगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लेना है यार, तो मैं आपको 100% दावा करता हूँ कि आपकी गेम प्ले बदल जाएगी। जिन जिन प्लेयर को ये एडवांटेज देगी 1% एडीएस सेंसिटिविटी, अगर उन्होंने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा और अप्लाई किया होगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद उनकी जो स्प्रे होगी ना, वो बिल्कुल कतई लेज़र मारेंगे फिर। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी आप पूरा समझ पाओगे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, 1% एडीएस सेंसिटिविटी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो बेस्ट प्लेयर है या नामी प्लेयर है वो खेलते हैं। तो देखिए, कोफिन है, बेस्ट प्लेयर है, वो भी इस पर खेलते हैं। हमारे INDK के स्नैक्स हैं, वो भी इस पर खेलते हैं, वो भी एक बेस्ट प्लेयर है इस फील्ड में। तो वो क्यों खेलते हैं 1% एडीएस सेंसिटिविटी पे, उसका सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, 1% एडीएस सेंसिटिविटी का सीक्रेट जो होता है वो होता है आपकी स्प्रे पे, मतलब कि जो आपको इम्पैक्ट करता है वो स्प्रे पे करता है। मैं समझाऊंगा आपको कैसे। 1% एडीएस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपको पूरी सेंसिटिविटी पे 1 पे करनी है, वो भी एडीएस की। ये देखिए, हर एक स्कोप की सेंसिटिविटी आपको 1% कर देनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन नो स्कोप, फर्स्ट पर्सन नो स्कोप, इस सेंसिटिविटी को आप कभी भी ना छेड़े। जितने पर आप खेलते हो उसी पर खेले, इसको आप 1 पे नहीं कर सकते। उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों। सो गाइज, थर्ड पर्सन नो स्कोप, इसका मतलब ही आपको पता है कि जब बिना स्कोप ओपन किए आप फायर करते हो, तो उस टाइम जो आपकी सेंसिटिविटी वर्क में आती है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी। तो जब आप क्लोज कॉम्बैट करते हो, अगर आप जायरो प्लेयर हो, तो कुछ जगह पर आपको एडीएस का सहारा लेना पड़ता है, मतलब कि आप फुल जायरो से भी कई बार फोन टिल्ट नहीं कर पाते, तो आपको कई जगह पर क्लोज कॉम्बैट में अपना एडीएस का यूज करना पड़ता है, तो वहां पर ये सेंसिटिविटी आपको काम आ सकती है। और FPP में आपको पता है फर्स्ट पर्सन की कैमरा की जो सेंसिटिविटी होती है, एडीएस की जो सेंसिटिविटी, वो वर्क में आती है। तो FPP में भी ऐसे ही इसका काम रहने वाला है। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि थर्ड पर्सन नो स्कोप की जो एडीएस सेंसिटिविटी वो आपको कैसे हेल्प कर सकती है। सो मैक्सिमम जायरो प्लेयर जो होते हैं वो फुल जायरो पर बेशक खेलते हैं, पर क्लोज कॉम्बैट में उनको जरूरत पड़ती है थोड़े बहुत एडीएस की, थोड़ा बहुत अपना थंब लगाने की। तो देखिए, जैसे इस वॉल के पीछे एनिमी है, तो आपको पूरा एम एकदम से शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा थंब ड्रैग करना पड़ता है, तो वो सेंसिटिविटी आपके लिए थर्ड पर्सन नो स्कोप की रहती है एडीएस में। तो आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना, अगर आपने इसको 1 पे कर दिया तो आप बिल्कुल थंब से कुछ भी हेल्प नहीं ले सकते। आपको पूरा जो है स्क्रीन टिल्ट करके, या एडीएस जो आपका होगा जायरो का, उसी से आपको अपनी क्लोज कॉम्बैट को करना होगा। तो अब बात करते हैं अदर स्कोप, जो हमने 1% किया है वो क्यों किया है, उसके क्या बेनिफिट रहने वाले हैं। तो देखिए, रेड डॉट है, रेड डॉट को अगर मैं नॉर्मल सेंसिटिविटी पर खेलता हूँ, जैसे कि सभी लोग खेलते होंगे, तो देखिए मैं स्प्रे करता हूँ। तो देखिए, जब मैं स्प्रे कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई भी पार्ट, मतलब कि हाथ का कोई भी पार्ट, अंगूठा, उंगली, स्क्रीन के कहीं भी टच हो जाती है, तो मेरा एम एकदम से फ्लॉप हो जाता है, मतलब कि नीचे की तरफ आ जाएगा या ऊपर की तरफ चल जाएगा, क्योंकि मेरा उंगली या थंब का कोई भी पार्ट स्क्रीन पे टच हुआ है। तो ये आपकी सेंसिटिविटी को खराब कर सकता है। तो 1% पे अगर हम खेलते हैं, तो मतलब कि एडीएस सेंसिटिविटी मेरी बिल्कुल काम में नहीं आ रही है, जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो जायरो के साथ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो मेरा कोई भी एम, मेरी भी कोई भी स्प्रे खराब नहीं हो सकती,
क्योंकि मेरा पूरा कंट्रोल जायरो से हो रहा है इस टाइम, और मेरा कोई भी उंगली, हाथ का कोई भी पार्ट कोई स्क्रीन पे टच हो जाए, कहीं पे भी टच हो जाए, तो मेरी सेंसिटिविटी ख़राब नहीं हो सकती क्योंकि मेरा कंट्रोल इस पे बन चुका है। तो वैसे ही मैं आपको 3x या 6x जो कन्वर्ट करके चलाते हैं हम, उसको 3x की सेंसिटिविटी ही काम में आती है। तो देखिए जैसे मैं स्प्रे कर रहा हूँ नॉर्मल सेंसिटिविटी में, तो अगर मेरा अंगूठा कुछ भी टच हो जाता है, आपको पता है स्क्रीन पे कभी भी कुछ भी टच हो सकता है आपके अंगूठा, या कहीं भी गलत जगह पे टच हो गया तो एकदम से सेंसिटिविटी ख़राब हो जाएगी। तो वही आपकी गेम प्ले में फ़र्क डाल देता है। कई जगह पर आपकी सेंसिटिविटी, आप स्प्रे सही कर रहे होते हो पर कुछ भी आपका अंगूठा या उंगली कहीं भी टच हो जाती है तो आपका एम एकदम से ख़राब हो जाता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो 1% ADS सेंसिटिविटी काम में लाई जाती है, इससे आपका जो बिल्कुल बोलते हैं ना जिसको नो रिकॉइल सेंसिटिविटी, तो वही काम करती है। अब सेकंड थॉट आता है यार कि कौन कौन से प्लेयर्स इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यार, जो जायरो पे खेलते हैं वो तो इसको 100% यूज कर सकते हैं, उनके लिए ये बेनिफिट देता है, लेकिन जो नॉन जायरोस्कोप प्लेयर हैं उनके लिए ये बेनिफिट नहीं देता। मैं पहले ही बता रहा हूँ, उनके लिए ये बेनिफिट नहीं दे सकता, उसके लिए उन्हें ADS सेंसिटिविटी पर ही खेलना होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आपकी जो स्प्रे होती है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो आपकी कार स्प्रे होती है, बहुत प्लेयर्स की वीकनेस रहती है कि यार सामने से कार चली जाती है तो हम प्लेयर्स को नॉकआउट नहीं कर सकते। तो देखिए आपको ये ड्रिल फॉलो करनी है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इससे आपको कार स्प्रेइंग की तरफ एम ट्रेस करने का पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इजीली एम ट्रेस कर पाओगे और कार में से ही प्लेयर्स को इजीली नॉकआउट कर पाओगे। पहले आपको स्लो करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी इस चीज़ की, तो आपको धीरे धीरे ट्राई करना है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको डेली करने लगोगे तो आपको इसको फास्ट फास्ट ट्राई करना है, क्योंकि जितना फास्ट आप करोगे उतनी जल्दी हेडशॉट ले सकता है एक कार के अंदर, आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। आप इस प्रैक्टिस इसको कर सकते हो डेली बेस पे, इससे आपकी जो स्प्रे होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी स्प्रे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सेकंड ड्रिल रहेगी लॉन्ग रेंज स्प्रे की प्रैक्टिस। आपको लॉन्ग रेंज की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि आपकी सेंसिटिविटी, आपका रिकॉइल कंट्रोल का पैटर्न कितना आपको हेल्प करता है, आपकी कितनी क्षमता बन चुकी है कि आप इतनी मीटर तक की सेंसिटिविटी में नो रिकॉइल स्प्रे मार सकते हो। तो आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना होगा, अलग अलग स्कोप के साथ, अलग अलग डिफरेंट वे में, कभी रनिंग में प्रैक्टिस करो लॉन्ग रेंज की स्प्रे मारने की, कभी क्राउच करके, कभी पीक करके, अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेस पे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद रहने वाला है यार कि आपको इस वीडियो का जो टॉपिक था 1% ADS सेंसिटिविटी, आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि किन किन प्लेयर्स को इसको यूज़ करना चाहिए और किन प्लेयर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ यार कि जिन प्लेयर्स ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया वो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद रहने वाला है आप वीडियो को पूरा सपोर्ट करोगे, बूम बाम कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और जो भी न्यू यूज़र आते हैं ना ये वीडियो में यार, वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर देता है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, ख्याल रखो क्योंकि आपको भी अपना ख्याल रखना होगा। थैंक यू।